एजुकेशनल क्लासेस में सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने आपको सीटेट की तैयारी कैसे करें तो इसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया था, और हमने आपको वहां ये भी समझाया था कि सीटेट में आपका सिलेबस क्या है, हमारी पकड़ क्या कहाँ होनी चाहिए, हमें तैयारी कैसे करना है, किस आधार पे करना है, हमें भूमिका कैसे बनाना है। ये सब का जो है चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम अगले वीडियो में आपसे जो है मैथ का एक टॉपिक लेके आएंगे। तो आज हम मैथ का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है वो नंबर सिस्टम। ठीक ना भैया? तो हमारे अर्थमेटिक का नंबर सिस्टम एक बेस होता है, एक आधार होता है, इसलिए हमने ये समझा कि नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट किया जाए। तो नंबर सिस्टम में हम थोड़ा समझेंगे बेसिकली होता क्या है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रूव चीज बातें करेंगे, हम वही बात करेंगे जो आपके सीटेट में पूछा जाता है। तो हम नंबर सिस्टम के टॉपिक में ही हमने एक जो है पहला आप हेडिंग डालेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास रफ और पेन जरूर होना चाहिए, रफ में आप नोट करते जाइएगा। तो आप हेडिंग डालेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अब देखिए इकाई का मतलब होता क्या है कि जैसे अगर आपको दे दिया गया 2 3 4 5, ठीक ना भैया, हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब यहाँ जानेंगे ये हमारा इकाई अंक होता है, ये हमारा दहाई होता है, ये हमारा सैकड़ा होता है, ये हमारा हजार होता है। तो इसकी बात हम जब आपको प्लेस वैल्यू बताएंगे तो वहां पे इसकी हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तो यहाँ हमारा देखिए इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जैसे हमें क्या दे दिया गया, गुणा का दे दिया गया, कहा गया कि 2 इसका जो है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर आपसे इकाई अंक इस तरह से पूछता है तो आपसे गुणा किसका करना है, आप केवल इकाई अंक का ही गुणा कर लीजिए। अर्थात क्या करेंगे, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 12 आ गया। तो अब 12 का गुणा 32 में नहीं करना है, आप केवल इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो इसका इकाई कितना है, 2 है, तो 2 दुगुना इसका 4 आ गया। अब 4 का गुणा किसमें करेंगे, अब इसमें करेंगे, 4 4 16 आ गया। ठीक ना भैया? अब 16 में इकाई अंक क्या है भैया, 16 में इकाई अंक है हमारा 6, हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो क्या करेंगे भैया, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इकाई का गुणा इकाई अंक से ही करना है। ठीक ना भैया? जैसा कि आपको हमने इसने बताया। अब हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वो क्वेश्चन है क्या कि जैसे आपको फिर से अगर दे दिया जाए, अगर जैसे कहा जाए भैया, जैसे आपको कहा जाए 25 22 32 46 आपसे कहा जाए 98 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसमें आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, 22 गुणे 32 नहीं करेंगे, ठीक ना भैया, बहुत लंबा गुणा हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ इतना किया जाता है कि इकाई का गुणा इकाई में, अर्थात 2 गुणे 2 क्या हो गया, 4। अब 4 का गुणा 46 में नहीं करेंगे, बल्कि 4 का गुणा इकाई में करेंगे, तो इकाई हमारा 6 है, 6 में करेंगे, 4 6 24 आया। अब क्या करेंगे, अब इसमें भी इकाई कितना आया, 4, अब इसका गुणा किसमें करेंगे, 4 8 32, तो अब हमारा गुणा 32 आया, 32 में इकाई क्या है, 2 है, तो क्या होगा भैया, हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा, यही हमारा होगा आंसर होगा। अगर अब आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखे तो सर्वप्रथम आप करेंगे क्या, इकाई का गुणा इकाई में ही करना है, बाकी जो भी आपका दहाई सैकड़ा हजार प्राप्त हो सबको छोड़ के केवल एक अंक अर्थात इकाई अंक का ही लेना है। अब आपको हम देखिए कुछ रूल बताते हैं, वो रूल है क्या, जैसे आपके अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए क्या, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर दे दिया जाए क्या 32 गुणे 20 गुणे 44 गुणे 98,
में इकाई का अंक ज्ञात करिए। अब आपको यहाँ पे दिख क्या गया? जीरो। क्या दिख गया भैया? जीरो। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा नोट लिखेंगे, यदि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए गुणनफल में कहीं जीरो दिखे तो उसका इकाई अंक जीरो ही होगा। ठीक ना भैया? आप लिख लेंगे। देखिए वो कैसे, आपने पढ़ा है कि अगर हम किसी अंक को जीरो से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक ना भैया? तो अब देखेंगे कि अब ऐसे हम इसका गुणा कर लीजिए, इकाई का गुणा 3 × 0 जीरो ही होगा, 0 का गुणा 4 में जीरो ही हुआ, फिर इसका गुणा हुआ जीरो हुआ, तो अर्थात हमारा इकाई अंक क्या हुआ? जीरो हुआ। ठीक ना भैया? अब आपको इस बात से स्पष्ट होगा कि यदि गुणनफल दिया हो, अगर इकाई अंक पूछे, अगर एक भी गुणनफल में आपको इकाई के स्थान पे जीरो मिल गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है? जीरो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना भैया? अब देखेंगे एक क्वेश्चन आपको जैसे और दे दिया जाए, वो क्वेश्चन है क्या कि जैसे आपको दे दिया क्या, ठीक ना भैया, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक ना भैया? अब आपको यहाँ भी एक थोड़ा सा ये देखना है, अगर आपको यहाँ जैसे दे दिया गया, ठीक ना भैया, कि अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 5 है, अब यहाँ क्या है? 2। तो 5 × 2 कितना हुआ? 10। अब इसमें इकाई अंक क्या ज्ञात हुआ? 0। तो हम इसके पहले क्या पढ़े कि अगर कहीं पे इकाई के स्थान पे 0 दिख गया तो उसका मान भी इकाई अंक का मान 0 ही होगा। अब इससे हमारा एक रूल और स्पष्ट हो गया, लिखेंगे नोट करके लिखेंगे। ठीक ना भैया? यदि दिए गए गुणनफल में 5 हो, यदि दिए गए गुणनफल में इकाई के स्थान पे 5 हो तथा कोई भी एक सम संख्या हो, तो ठीक ना, उसका मान भी इकाई का मान 0 ही आएगा। कैसे? कि अगर आपको दिए गए गुणनफल में कहीं इकाई के स्थान पे 5 दिखे और दूसरी संख्या में कोई एक संख्या इकाई के स्थान पे सम संख्या दिखे, सम का मतलब क्या हुआ? 2, 4, 6, ठीक ना भैया, 8, 12। ठीक ना भैया? सम में आप इससे गुणा करेंगे 5 से, 5 × 2 = 10, फिर इसमें भी गुणा करेंगे 5 × 20, फिर इसमें गुणा करेंगे 5 × 20, फिर इसमें गुणा करेंगे 5 × 8 = 40। ठीक ना भैया? इसी तरह सम आएगा, अर्थात 5 में सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई स्थान पे 0 ही आएगा। ऐसी कंडीशन में आप कहीं भी देखिए, अगर 5 है, 5 के बाद कोई सम संख्या इकाई के स्थान पे दिख गई तो उसका इकाई का मान 0 ही होगा। आपको दिमाग ज्यादा जो है लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे आप अपना समय की बचत कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर आपको जैसे ये दे दिया गया, जैसा कि हमने आपके समक्ष एक क्वेश्चन और लिखा है, वो क्वेश्चन जैसे 938 × 546 × 225 × 63 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप जैसे गुणा करेंगे तो गुणा करने में आपका टाइम लगेगा, तो इकाई का गुणा आप इकाई में करेंगे तो क्या होगा? 8×6 = 48 होगा। अब फिर क्या करेंगे? इकाई का गुणा इकाई में करेंगे तो 8 × 5, 8×5 = 40, तो फिर हमारा क्या दिख गया? 0 का गुणा 3 में क्या होगा? 0। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आप इतना गुणा किए, आपका कुछ सेकंड खराब हुआ, लेकिन अगर आपको तुरंत अगर ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि हमने जैसा अभी पिछले नियम में आपको बताया, यदि आपको गुणनफल में कहीं एक इकाई के स्थान पे 5 दिख जाए और दूसरा इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या दिख जाए तो वहां पे इकाई का अंक सदैव 0 ही प्राप्त होगा। ये बात आपको पता है तो आप क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत आप देखते हैं, आप गोला करेंगे, कुछ ही सेकंड में आप अगले क्वेश्चन पे चले गए। ठीक ना भैया? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जैसे आपको फिर से क्या दे दिया गया, ठीक ना भैया, 938 × 645 × 900 अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, कुछ भी दे दे, तो आप तुरंत देखिए क्या दी गई संख्याओं में कहीं पे 0 दिख रहा है। 0 अगर दिख रहा है तो इकाई के अंक का मान 0 ही होगा। अगर
अगर आपको जीरो नहीं दिखा तो आप दूसरा कंडीशन तुरंत अपने माइंड में ला लीजिए कि क्या कहीं पे 5 दिख रहा है। तो हाँ भैया ये हमें 5 दिख गया। तो अब देखिए कि कहीं पे इकाई का जो अंक है सम संख्या है कोई एक। हाँ भैया ये देखिए 2 भी सम है, 8 भी सम है, ये भी सम है। तो क्या होगा अगर ऐसा कंडीशन है तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा भैया? 0 होगा। ये हमारा क्या हुआ? आंसर ही हो आंसर हो गया। आपको इतना अगर पता है तो आप तुरंत इसका मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना भैया? अब हम डालेंगे, ठीक ना भैया, धातु का इकाई अंक ज्ञात करना। अगली हेडिंग डालेंगे घातांकी इकाई अंक ज्ञात करना। तो अब हमने देखिए आपको, अब यहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको लगाएंगे, इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे कि आपको हमने 5 क्वेश्चन ये दिया है, ठीक ना भैया? 5 क्वेश्चन को आप लिखेंगे, इकाई अंक ज्ञात करेंगे। अब हेडिंग डाल लेंगे, ठीक ना भैया, घातों का इकाई अंक ज्ञात करना। घात में कैसे? कि अगर जैसे घात में दे दिया जाए कोई संख्या, जैसे अगर कहा जाए क्या कि जैसे कहा जाए, ठीक ना भैया, 532 की घात 261 में इकाई का अंक बताइए, या फिर जैसे कहा जाए 42 की घात 62 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसको अगर तोड़ेंगे, गुणा भाग करेंगे, तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको इसका बताते हैं कैसे। दो रूल के माध्यम से आपको चाहे जितना बड़ा इकाई अंक दे दिया जाएगा आप तुरंत लगाएंगे। वो कैसे? ये हम रूल आपको दिखाते हैं, ठीक ना भैया? तो आपका दूसरा हेडिंग होगा, आप डालेंगे क्या? घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई के अंक में हमने आपको बताया, इकाई के अंक मतलब आधार संख्याओं की घातांकी, मान जैसे 242 की घात 531 में आपका क्या होगा? ये आपका आधार हुआ और ये आपका क्या हुआ? घात हुआ, ठीक ना भैया? जैसे आपको फिर कहा जाए 2 की घात 4, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे घात और इसको आप क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, ठीक ना भैया? तो अब आपको अगर ऐसे सवाल अगर आपको दे दिया जाता है घात के आधार पे, तो आप उसका अगर गुणा करने लगेंगे कि जैसे आपका अगर कहा जाए 2 की घात 4 में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो आप सीधे इसको क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आप तोड़ेंगे, 2 दूना 4, फिर 4 दूनी फिर 8, 8 दूनी फिर 16, ठीक ना भैया? आपका इतना आप पूरा करेंगे तब आएगा, लेकिन हमारे पास दो रूल है, वो दो रूल को आप फॉलो करेंगे आपका इकाई अंक तुरंत मान होगा। तो एक रूल तो आपके समक्ष दिख रहा है, वो है क्या कि यदि घातांकी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसके सरल मान में इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही होगा, ठीक ना भैया? अब आपको देखिए कैसे, आपको जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया गया क्या, ठीक ना भैया, 250 की घात 56 में इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए, ठीक ना भैया? तो आपको देखिए अब यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल इतना या आपको माइंड में रहना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे अगर घातांकी मान का इकाई अंक ज्ञात करना हो, अगर आपको वहां पे आधार उधार दिया है, तो आप ऐसी कंडीशन में अगर आपको आधार में 0, 1, 5 और 6 दिख जाए तो उसका जो है सरल इकाई मान वही आधार का इकाई अंक ही होगा, अर्थात 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। अब जैसे अब क्या कहा गया, 250 की घात 56 में इकाई का मान क्या होगा? तो अब आधार में इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। तो अब क्या होगा इसका मान, इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा, यही आपका आंसर है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अब फिर जैसे एक क्वेश्चन आपको जैसे फिर क्या दे दिया, तो एक क्वेश्चन में जैसे कह दिया क्या, ठीक ना भैया, आपको जैसे कह दिया 561 की घात 242 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि आप देखिएगा, हमने रूल में पढ़ा है यदि दिए गए घातांक में आधार का इकाई अंक 1 हो
सरल मान में इकाई का मान भी एक ही आएगा। तो अब अगर आपका घातांक एक दिख गया, घातांक में आधार एक दिख गया, तो अब क्या होगा? सरल मान में इकाई का मान भी एक ही होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब फिर देखिएगा, जैसे आपको दे दिया जाए फिर से 48 की घात, ठीक ना भैया, 242 कुछ भी दे दे, ठीक ना भैया। तो अगर आप देखेंगे आधार के इकाई में 5 दिखे, तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, इकाई मान 5 ही होगा। आपको वही आंसर लिख देना है। कि आप देखिएगा फिर आपको जैसे क्या दे दे, ठीक, तो आपको आधार के इकाई अंक में अगर 6 दिख जाए, तो उसका इकाई मान 6 ही होगा। तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात आपको स्पष्ट हो गया है कि अगर घातांकी संख्याओं का इकाई मान ज्ञात करना हो, आपको यदि आधार के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 दिख जाए, तो उसका सरल इकाई मान भी 0, 1, 5, 6 ही होगा। तो हम आपको इस प्रकार के कम से कम 5 क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको लगाइएगा, ठीक ना भैया। आपके समक्ष हमने ये क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इसका जो है इकाई अंक ज्ञात करिएगा, आप रूल नंबर सेकंड लिखिएगा। अब तो आप देखेंगे, आप जैसे कोई आधार है आपको दिया गया, तो आपके आधार का अंक जो होगा, इकाई अंक क्या होगा, 10 अंकों का ही होगा। अर्थात आधार के इकाई अंक 0, 1, 5, 6, 7, 8 और 9 ही होगा। जैसे आपको लिखेंगे 245, 42 की घात, 361, आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, आपका आधार के इकाई अंक का मान इसी में से कोई एक ही संख्या होगा। तो हमने आपको 0 बता दिया, 1 बता दिया, ठीक ना भैया, ठीक ना भैया। अब यहाँ देखिएगा कि अब ठीक ना बता दिए, तो आपका बचा क्या है भैया, 2, 4, 7 और 8 और 9, ये आपका बचा है, ठीक ना भैया। अब देखिएगा, अब आपको हमने फर्स्ट रूल में, ठीक ना भैया, हमने आपको फर्स्ट रूल में कौन कौन से अंकों का मान बताया है, 0, 1, 5 और 6 हमने आपको बता दिया। कि अगर आपको आधार के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 दिखे, तो उनका सरल इकाई मान 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा। तो अब हमारे पास बच कौन कौन से रहे हैं, बच रहा है 2, 3, 4, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक बच रहे हैं, अर्थात 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो अब अगले रूप में हम लिखेंगे, ठीक ना भैया, नोट करके लिखिएगा। तो अब देखिएगा, आप रोल नंबर सेकंड के अंतर्गत, तो रोल नंबर सेकंड में कौन कौन से लिखना है, तो रोल नंबर सेकंड में आपको अगर कहीं पे दिख जाए 2, 3, 4, 7, 8, अर्थात आपके आधार के इकाई का अंक, आधार के इकाई के अंक में 2, 3, 4, 7, 8 आपको कहीं पे दिख जाए, तो आप करेंगे क्या, सर्वप्रथम घात को 1 कम कर देंगे, घात हमारा जो ऊपर की संख्या होगा उसमें से 1 कम कर देंगे, कम करके 4 से भाग दे देंगे, ठीक ना भैया, भाग दे देंगे। तो इससे प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ेंगे। अब योगफल को ही घातांकी संख्या के आधार की इकाई के अंक की घात लगाएंगे, इसके माने जो इकाई अंक प्राप्त होगा वही उत्तर होगा। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपको दे दिया क्या, 1239 की घात 66 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप इसको लगाएंगे कैसे। अब आप इसको लगाने के लिए देखेंगे कि लगाना के पहले घात को 1 कम कर दीजिए। तो अब यहाँ क्या है, इसका जो है घात क्या है, 66 है, 66 में 1 कम करिए, 1 कम कर दिए तो क्या हुआ, 65। तो 65 को आप किससे भाग दे दीजिए, 4 से आप भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, 4 से आप भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, अब इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब शेष अब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 4 कम 4 हुआ, आप भाग ही दे लीजिए, अगर इसको नहीं आता है भाग ऐसे दे लीजिए,
कम चार हुआ, 6 से 4 दे 2 हुआ, 4 6 24 हुआ, तो अब क्या हुआ, शेष हमारा क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, इससे प्राप्त शेष फल में 1 जोड़ देंगे। तो अब हम क्या किए, 1 जोड़ दिए, तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब 1 जोड़ देंगे, अब योग फल को ही घातांकी संख्या के आधार के इकाई अंक में, तो अब यहाँ पे जो हमारा 2 प्राप्त हुआ, अब इसी आधार में जो दिया है आधार के इकाई अंक की घात मान लेंगे। अब इसका घात मान लेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, 9 गुणे 9, तो क्या होगा, 9 9 81, तो 81 में इकाई अंक कौन सा है, 1 होगा। तो अर्थात इकाई अंक हमारा क्या है, 1 है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारा है क्या कि जैसे अगर एक क्वेश्चन आपका और है, 547 की घात 22 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो आप सर्वप्रथम देखिए कि आपके आधार में इकाई अंक है क्या, इकाई अंक में 1 5 6 और 2 नहीं है, ठीक ना भैया, तो है क्या, 7 है। जब आपको 2 3 4 7 8 में से कोई एक संख्या दिख जाए तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, घात में जो घात दिया रहे घात में तुरंत 1 कम कर दीजिए। 1 कम कर दिए तो हमारा हुआ क्या, 21 हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर जो शेष प्राप्त हो, तो अब इसको भाग देंगे, 4 5 20, तो हमारा शेष कितना प्राप्त हुआ, शेष हमारा प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हो गया। जब शेष हमारा 1 प्राप्त हुआ, तो अब दूसरे कंडीशन में जब शेष प्राप्त हो तो शेष फल में 1 हम जोड़ देंगे। 1 को जब जोड़ देंगे तो हमारा 1 1 2 हुआ, जो अब ये हमारा योग फल प्राप्त हो रहा है दिए गए घात के इकाई अंक का घात मान लेंगे, तो क्या होगा, 7 की घात 2, तो 7 गुणे 7 77 49। तो 49 में इकाई का मान क्या है, इकाई का अंक 9 है, तो 9 हमारा आंसर होगा, ठीक ना भैया। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने आपको इसमें क्या लिखाया, रोल नंबर फर्स्ट में अगर आपको घातांकी अंकों का इकाई मान ज्ञात करना हो तो रोल नंबर फर्स्ट में लिखाया कि अगर 0 आधार के इकाई अंक में 0 1 5 6 है तो उसका इकाई अंक मान क्रमशः 0 1 5 6 ही हो जाएगा। रोल नंबर सेकंड में हमने लिखाया, यदि आपके आधार के इकाई अंक में 2 3 4 7 8 दिखे तो सर्वप्रथम आप क्या करें, इनमें भी जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर से समझते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया 548 की घात, क्या दे देंगे भैया, तो रूल नंबर सेकंड के अनुसार तो आप सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए घात में 1 घटा दीजिए, तो अब क्या मान हुआ, 24 हुआ, क्या हो गया, 24 हो गया। तो अब जो हमारा प्राप्त हो उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 24 को हमने 4 से भाग दिया तो 4 6 24, तो शेष हमारा क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखिएगा कंडीशन आपका क्या आ गया, 0 हो गया, ठीक ना भैया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब शेष अगर 0 हो गया तो अगर अब यहाँ देखेंगे, अब जब 0 प्राप्त हुआ तो अब यहाँ 1 आप चाहे रखिए या ना रखिए, तो आप यहाँ क्या करेंगे, किसी का जैसे होगा, अब 8 की घात 0 और तथा x घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, नहीं होगा। अगर किसी का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक ना भैया। अब देखिए एक क्वेश्चन आप और देखिएगा, आपके यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह हम देखते हैं। जब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 248 घात 26 गुणे 541 घात 32 धन 250 गुणे घात 32 में इकाई का अंक तो बताइए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या ज्ञात करेंगे, तो आपको इसको ज्ञात करने के लिए आपको दोनों रूल पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट रूल में था यदि घातांकी मान में
आधार का इकाई अंक 0156 है तो उसका सरल इकाई अंक का मान भी 0156 ही होगा, अर्थात 0 का 0 1 का 1 5 का 5 6 का 6। अब इसके अलावा कौन कौन सी संख्या बच रही है, तो अब हमारे पास 2 3 4 7 8 बच रही है। अब 0 1 5 6 के अलावा अगर आधार के इकाई अंक में आपको दिख जाए तो आप सर्वप्रथम दिए गए घात में एक कम करेंगे कि जैसे कि आप देखेंगे आप इसमें क्या है 248, 248 का ये हमारा आधार है तो इसका इकाई अंक क्या दिख गया हमें 8 दिख गया। तो जब 8 दिख गया तो रोल नंबर सेकंड के अंतर्गत तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे 26 में एक कम करेंगे 25 होगा, 25 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त हुआ 4 6 24 अर्थात शेष 1 प्राप्त हुआ। अब 1 में अब जो प्राप्त शेषफल होता है उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 1 2 होगा। तो अब जो हमारा प्राप्त योगफल होगा हम क्या करेंगे आधार के इकाई अंक की घात मान लेंगे तो क्या होगा 8 × 8 तो 28 64 तो इकाई अंक क्या हुआ 4 अर्थात इसका इकाई अंक 4 हो गया, गुणा है तो गुणा कर दिए। अब देखेंगे 541 की घात 32 में आधार का इकाई अंक क्या है 1 है तो रोल नंबर फर्स्ट में 1 दिख गया तो इसका मान भी अब क्या होगा 1 ही होगा फिर प्लस। अब यहाँ क्या दिख गया 0 हो गया तो 0 है तो क्या होगा 0 होगा तो अब इसका 4 × 4 = 0 तो बराबर इसका इकाई अंक 4 हुआ, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिख जाए तो आप आराम से सॉल्व करिएगा। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं ठीक ना भैया, आप उसको बैठ के लगाइएगा ठीक ना भैया। तो हमने आपको देखिए ये 5 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन आपको हम दे दिए हैं, आप इसको लगाइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अब आपको हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, अगले वीडियो के लिए आप हेडिंग डाल दीजिएगा शेष ज्ञात करना ठीक ना भैया, शेष ज्ञात करना। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको हम इस पे चर्चा करेंगे ठीक ना भैया।